हाल ही में आप लोगों की शादी हुई, उसके बाद कल नई हंडी और आज इस्कॉन में क्या कुछ कहना चाहोगी लोगों के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण की बातों को बहुत सीरियसली लीजिए, अपनी लाइफ में भगवद गीता का सार अमल करने की कोशिश करिए और आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अभी हाल ही में आप लोगों की शादी हुई, क्या कुछ बदलाव आया शादी के बाद? शादी के बाद संग्राम जी अच्छे हो गए। देखिए, पहले तो आज के दिन जो जन्माष्टमी है, हम यहाँ पे आए हैं, भगवान जी का आशीर्वाद मिला कि भगवान कृष्ण की ज़िंदगी से हमें चीज़ सीखना चाहिए कि एक आम इंसान अगर मेहनत करे, कोशिश करे, तो भी भगवान के समकक्ष पहुंच सकते हैं। तो उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा और आज महाराज जी से हमें मौका मिला, महाराज जी ने हमारी पूजा करवाई, हमें भगवान जी का आशीर्वाद दिलाया, खुद आशीर्वाद दिया। तो ये सौभाग्य के कि हम एक मुंबई में एक रिसेप्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले भगवान जी का आशीर्वाद मिला तो बड़ी बात है। संग्राम जी के साथ आप काफ़ी सालों से, 12 सालों से जी, तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ एक दो जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं? सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो पायल रोहतगी को हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक पूरी दुनिया पायल रोहतगी को हैंडल नहीं कर सकती, मगर संग्राम जी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आप सुधारना चाहती हूँ उनमें, बदलाव करना सुधारना चाहती हूँ, उनको घड़ी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको प्लीज़ कोई घड़ी गिफ्ट में मत देना, उन्हें कभी भी टाइम पर रेडी होना आता नहीं है। जी, हम बात करें लॉकअप की, लॉकअप के बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में? चेंजेस ये आया, सबसे बड़ी तो चेंज ये हो गया, एक महीने के अंदर शादी कर ली। जो लोग 12 साल से शादी नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक महीने में शादी कर ली। आपको, हम लोगों ने बिग बॉस में देखा हुआ है, तो मैम को जाने के लिए आप कितना सपोर्ट करेंगे बिग बॉस का? अगर मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में जाएं और बिग बॉस 3 महीने के जगह 7 महीने का हो जाए, हम इनको सपोर्ट करें और ये वहाँ पे रहें और ये शो जीत के आए। इसको कहते हैं प्यार। फिर से मुलाकात होगी। देखो, मैंने बिग बॉस किया, काफ़ी शोज किए हमने, मगर बिग बॉस में खूबसूरत जर्नी है। इस ये ऐसा शो है, ये जर्नी ऐसी है, बहुत से लोग कहते हैं कि इस शो में वो इंसान जाते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सल है या कैरियर थोड़ा फिनिश हो जाता है, मगर सच बताऊं कि मैं इस शो में गया और मुझे इस शो से बहुत फ़ायदा मिला। जैसा मैं था उस शो के बाद मुझे पब्लिक का और ज़्यादा प्यार मिला और ढेर सारे किए। बाकी एक अच्छा अनुभव था, 105 दिन रहना वहाँ पे, वो सब करना। मैं चाहूँगा कि पायल ये अनुभव करे और ये शो 3-4 महीने और बढ़ जाए। ऐसे और किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो किस में जाना चाहोगे? मैं वैसे मौका मिला है कि सर्वाइवर से लेके IRT से लेके बहुत ढेर सारे शो किए हैं, तो भी कोशिश करें कि फेयर फैक्टर है या कोई अच्छे अच्छे शो हैं उस हिसाब से कोई मौका मिलेगा तो पक्का जाएंगे। गुरुदेव जी से जाना चाहूँगा आप लोगों के बारे में। गुरुदेव जी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है प्रभु जी आएंगे जी। तो इसके लिए हम दर्शन कराया और भगवान का आशीर्वाद दिया। तो कैसी लगी इनकी जोड़ी? बहुत अच्छा है, काफ़ी प्यार मिलता है, बहुत अच्छा है। भगवान का मंदिर में आया, भगवान का ब्लेसिंग मिला, हम चाहते हैं हमेशा भगवान के पास जाए और भगवान का आशीर्वाद उनसे बनाए रहे। हरे कृष्णा। अभी हम रिसेप्शन कर लें, रिसेप्शन में लोगों का आशीर्वाद ले लें, फिर अपकमिंग के लिए आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।